हेलो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कि स्मार्टफोन और टैबलेट, इन दोनों में आप क्या लें और क्या ना लें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि आज टीवी एडवर्टाइजमेंट का दौर है और ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है। आज इतने खास ऑफर्स और एडवर्टाइजमेंट इतने रोचक ढंग से बनाया जाता है कि एक सामान्य फ़ोन की कीमत पर ही बड़े बड़े स्क्रीन वाले टैब उपलब्ध कराए जाते हैं। कस्टमर तुरंत आकर्षित भी हो जाते हैं क्योंकि उसे एक मोबाइल फ़ोन के कीमत पर ही एक बड़ा स्क्रीन वाला टैब मिल जाता है। तो आप सोच समझ कर फैसला करें कि टैब या स्मार्टफोन आपके लिए क्या बेहतर होगा। क्योंकि स्मार्टफोन की अगर बात करें तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि आप इसे आसानी से अपने पॉकेट में भर के कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरी बात, इसे में आप आसानी से कॉल करके बात कर सकते हैं। इसमें आप सोशल साइट्स, नेटवर्किंग साइट्स जो भी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि टैबलेट का स्क्रीन बड़ा होने की वजह से उसे आप कहीं ले जा भी नहीं सकते हैं, आने ले जाने में भी दिक्कतें आती हैं। साथ ही अगर आप टैबलेट के ज़रिए कॉल करना चाहेंगे तो आपके पास हमेशा एक हेडफोन होना चाहिए, क्योंकि आप उसे कान पर लगा के फ़ोन करेंगे तो भी ये बहुत अटपटा लगेगा और दिक्कतें भी आएगी। तो ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने साथ टैब से कॉल करके बात करने के लिए एक हेडफोन रखें। इसके अलावा स्मार्टफोन के मुकाबले बड़े स्क्रीन का मज़ा टैब में आता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दिक्कत है वही यही है कि लेने और इधर से उधर लाने जाने में ही दिक्कत है। अगर आप लेते हैं तो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं बाहर अगर आते जाते हैं तो अगर बाहर इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टफोन बढ़िया है। और अगर बजट कम है तो सिर्फ स्मार्टफोन ही रखें, क्योंकि वो घर बाहर हर जगह आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये YouTube वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की आप लगातार अपडेट्स पाते रहें रेगुलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।